नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम महोदय और आप देख रहे हैं एग्रोटेक। दोस्तों, आप अगर अंगूर की खेती करते हैं तो आपको एक परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो है डाउनी मिल्ड्यू ग्रेप डिसीज। दोस्तों, बहुत सारे किसानों को ये नहीं पता होता कि डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल कैसे किया जाए। दोस्तों, डाउनी मिल्ड्यू एक फंगस है और इसलिए वो सीधे प्लांट पर अटैक करता है। चलिए दोस्तों, अब हम पता करते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू पेड़ पर कैसे आया है और इसके सिम्टम्स क्या है। सबसे पहले पेड़ के पत्ते पीले रंग के स्पॉट दिखाई देते हैं और जहाँ पर डिसीज इन्फेक्टेड हुआ है वह जगह किल्ड हो जाती है और उसका कलर बदल कर ब्राउन हो जाता है और पत्ते पेड़ से निकल कर गिर जाते हैं और अंगूर की शेड, जूस क्वालिटी और उत्पादन घट जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल कैसे किया जाए। सबसे पहले तो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट और जले हुए डिसीज लीव्स को निकाल ले, दिस इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। छटाई होने के बाद बोर्डेक्स मिक्सचर 1%, डिफोलेटॉन 0.2%, क्लोरोथिलीन 0.2% एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड 1.25%, 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करें। व्हेन द फ्लश आर फॉर्म, स्प्रेइंग द डिफोलेटॉन 0.2%, क्लोरोथिनिल 0.2% और मिथेलेक्सिन 10.2% इज इफेक्टिव। ये स्प्रे एक हफ्ते के बाद वापस से ले। ये स्प्रे लेने से पहले आप अपने एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम आपके लिए ऐसे प्रकार के अलग अलग वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।